नमस्कार, मैं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज मैं मौजूद हूँ राजीव चौक में। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने पटाखों को बैन किया है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और जानते हैं लोगों से। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा जी। आप ये बता सकते हैं, अभी आम आदमी पार्टी ने पटाखे बैन कर दिए हैं, दिवाली आने वाली है और ये वही आम आदमी पार्टी है जो अभी ये हमारे मुख्यमंत्री श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे तो यहाँ पे उनके कोठी के पास में जो इनका जो है बहुत अमीर वाला घर था, 8 लाख के पर्दे थे और उसी के घर के बाहर इन लोगों ने काफ़ी पटाखे दगाए थे। वहाँ के पब्लिक, स्थानीय पब्लिक ने इनके खिलाफ भी जो है FIR दर्ज कराया था कि भैया पटाखे इतना ज़्यादा जला रखा है इन लोगों ने, कौन सी दिवाली आ गई है। अब यही लोग हैं जो पहले पटाखे दगाते हैं, उसके बाद फिर हमारे दिवाली के लिए अगेंस्ट में खड़े जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनका क्या कि भैया ये हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर ये आपका ये क्या नाम है हमारे जो कभी ना बनने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, बॉलीवुड भांड बॉलीवुड हो गए, जितने भी लोग आलिया भट्ट हो गई और ये सारे आमिर खान हो गए, ये सारे लोग हमारे दिवाली के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हमेशा कहते हैं भैया आप लोग ये पटाखे मत दगाओ, उससे पॉल्यूशन हो जाता है। तो क्या करें, जब कभी होली आती है तब कहते हैं पानी का वेस्ट ना करें, पानी वेस्ट हो रहा है तो क्या करें हम, बताइए ना। हिंदुस्तान से भाग जाएं हम, अपना जो है त्यौहार मनाना बंद कर दें। मतलब ये लोग भी जब ये लोग अपना पार्टी करते हैं, जो जितने बॉलीवुड वाले हैं वो भी तो पटाखे दगाते हैं, वो भी तो पानी वेस्ट करते हैं, वो भी तो दारू पीते हैं, वो भी तो स्मोक करते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। तो फिर तुम लोग जो चरस खाना पीना क्यों बंद क्यों नहीं करते हो, बताइए। शाहरुख खान की बात कर लीजिए, उनके लड़का जो है आर्यन जो भी नाम है, वो खुद इतना बड़ा गंजेड़ी है, नशेड़ी है, उसको तो कभी नहीं माने करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक नंबर के, क्या ही बोलूँ उनका, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, है ना। ये कह रहे भैया पटाखे पे बैन लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए भाई आप बैन लगा देंगे? जनवरी तक लगाई है, जनवरी तक लगाई। मैं कह रहा हूँ दिवाली अभी 1 नवंबर को है जी। जितने भी आसमान में ये जितने रॉकेट जाएंगे अरविंद केजरीवाल उस दिन पता क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा काम करेंगे, पैराशूट पहन के सारे पटाखों को पकड़ेंगे, रोकेंगे भैया प्रदूषण ना हो जाए। कितना रोक लोगे हमारे दिवाली को मनाने से, आप रोक लोगे? देखते हैं मैदान में आइए, देखते हैं कितना पटाखे रोक दो, हम पटाखे दगाएंगे। आप 10 बार रोकिए या 100 बार रोकिए, आप आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं क्या? चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हमारा धर्म है। जब ईद आती है अपोजिट का, है ना, तो वो लोग जो है क्या करते हैं, बकरे वगैरह काटते हैं जो उनके मजहब में है, तब भी तो ब्लड निकलता है, तब भी तो नालियों में जाता है, तब भी उससे तो पोल्यूशन होता है, आप तब तो नहीं बोलते हो। लेकिन जब हमारा आता है, सनातनियों का आता है, हमारा इतना बड़ा त्यौहार होता है, तब आपको जो है पोल्यूशन नजर आता है। अयोध्या पर उसमें यूपी में चले जाइए, योगी आदित्यनाथ ने तो कोई भी बैन नहीं लगाया है क्योंकि उनको पता है एक दिन में कोई प्रदूषण हो जाता है। पूरे साल जब अलग अलग फैक्ट्रियों से केमिकल वाले प्रदूषित जो है हवाएं निकलती है, क्या कहते हैं ऑक्सीजन निकलते हैं, उससे भी तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन में जहरीले गैसें होती हैं, लोग उसे अंदर लेते हैं तो अंदर कैंसर होता है, अलग अलग बीमारी हो जाती है, उसको कभी नहीं रोकेंगे। बहुत सारी बाइकें चलती हैं, गाड़ी चलती है, उससे भी जो है पोल्यूशन निकलता है, उसको रोक लीजिए। क्या क्या रोकोगे? वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली वासियों के लिए बहुत प्रेम करते हैं ना, तो इसलिए प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं युवाओं के लिए, तो दारू बटवा दिया उन्होंने, दारू कौन से बढ़िया, बियर बटवाया ठंडी, उसके साथ आइस भी दे दिए, स्नो भी दे दिया, उसके साथ चखना भी, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री। लेकिन अब ये हिंदुओं का त्यौहार आते हैं तो ये बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ये तो फिर आप ये भी तो हिंदू सेकुलर है, वो असली हिंदू थोड़ी है, वो सेकुलर है, कभी असली हिंदू जो होता है वो कभी भी किसी त्यौहार पे मना नहीं करता है। ये लोग होते हैं भैया कहते हैं हैप्पी ईद मनाइए, खूब मनाइए, जब हमारा आता है होली पे जो है मत मनाइए, पानी वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद दिवाली पे प्रदूषण हो जाएगा, एक दिन में बड़ा प्रदूषण हो जा रहा है, पूरे साल जो है फैक्ट्रियों से, और ये आप यहाँ हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे लोग जो है ये खेत की जितने भी चीज़ें होती हैं जो घास होता जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण होते हैं। उन्होंने घासों को भी जलाने के लिए मना किया है, लोगों ने जलाया नहीं होगा, सब ने जलाया, सब टीवी में आता देखते हैं हम लोग, कितना रोकोगे, सब पूरे दिल्ली दगाएगी पटाखा, आप रोकते रहिए, पटाखे दगते रहेंगे। जैसे आजकल हम आप देखिए ना, यहाँ पे अभी मुद्दा चल रहा है कि बहराइच में यहाँ पे दंगा हो गया, कुछ लोगों ने जो है वहाँ पर एक ग्राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के को मार दिया। हमारे देश में तो संविधान है, पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े कोर्ट है, फिर भी क्यों नहीं रोक पाए? दंगा हो गया, लोगों ने किया, उस बेचारे को मार दिया, क्यों पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाई? पटाखे कोई रोक लेगा क्या? हमारा दिवाली है, हमारा त्यौहार है, हमारे राम जी उस दिन जो है एक राक्षस का वध करके आए थे, उस दिन पटाखे दगेंगे। आप फोड़ने वाले हैं क्या पटाखे? हम तो पटाखे दगाएंगे, बिल्कुल दगाएंगे, आपको पकड़ना, जब हम दिख जाए आपको दगाते हुए तो पकड़ लीजिए, वरना दगाएगा पूरी दिल्ली दगाएगी। आप खुद पत्रकार, आप खुद देखिएगा, आप भी दिल्ली में रहते हैं मुझे लगता है, तो आप भी देखिएगा पटाखे दगेंगे नहीं दगेंगे, कौन रोक लेगा भाई?
अगर आपको रोकना है तो जाइए ना, नालियों में बह रहा है खून उसको रोक लीजिए, रेगुलर होता है, गाड़ियों में से धुआं निकला उसे रोकिए, है ना, चरस गांजा पीते हैं उसे रोकिए, नहीं रोक पाओगे। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वो इसलिए दिल्ली वासियों के लिए सोच रहे हैं। हाँ, दिल्ली में घोटालेबाज भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी भगा देना चाहिए। लोग दो दो बोतल दारू बांट देते हैं, ये बस फ्री कर देते हैं, ये पानी बिजली फ्री कर देते हैं, फिर भी उसका वसूली करते हैं, फिर भी जो है बिजली इसका जो है बिजली बिल आता है हमें भरना पड़ता है, कहते हैं सब कुछ फ्री है, महिलाओं के लिए 5 रुपए फ्री कर दिया है और डंका बड़ा बड़ा पीट दिया है। तो केजरीवाल जी, बात कुछ ऐसा है कि अभी जो चुनाव आने वाला है, आपने बोला था लोकसभा चुनाव में कि हम आने वाले हैं, शेर आ गया है, जीत जाएगा और पूरी दिल्ली की जनता आप हमें जो है वोट देगी और बताएगी बीजेपी को कि उनके बेटे से दिल्ली की जनता कितना प्यार करती है। जो बेइज्जती हुई है, कसम से हम लोग तो क्या बताओ, जितने युवा दारू पीते हैं, दारू पी पी खूब नाच रहे थे, क्या ही भंगड़ा कर रहे थे, बेचारे हार गए, एक सीट नहीं आई, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, बेचारे 7 में से एक सीट नहीं आई, 2 बार जबकि ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अभी दोबारा होने वाला है विधानसभा चुनाव होगा, है ना। पहली बार तो हरियाणा में जो है धक्का मार के भगाया, अब दिल्ली वाले धक्का मार के भगाए इनको, पर दिल्ली वाले तो उनसे प्यार करते हैं ना, वो कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 7 सीट छीन लिए, अब की बार डबल प्यार होगा, पूरा पूरा छीन लेंगे मुख्यमंत्री के नाम पे। इनको कह रहा हूं मैं, चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऋषि जी ने 2 चेहरे लगाई है, कहती है वो बन रखी है भरत और राम जी बना रखा है उन्होंने, हमारे राम जी के नाम ले रहे हैं लोग, इनकी औकात है, इनकी औकात है राम जी बनोगे तुम लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तुलना खुद से कर रहे हैं ये घोटालेबाज, ये लोग। अरे रहने दो, कितना झूठ बोले, जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ वो जो है राम जी से अपनी तुलना करता है, हमारे देवी देवता को बीच में मत लाओ, परेशानी में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ये सब मत लाइए। हाँ, हमारे राम जी, और ये कह रहे हैं भरत, ये अपने को भरत, अरे तुम एक्टिंग अच्छी करती हो, वो एक्टिंग बॉलीवुड वाले बुलाते हैं इन लोगों को, जुरासिक पार्क वाली को। हाँ, ये जो है बैठी थी अनशन पे, हमने देखा भैया अनशन में बैठी हुई है, कह रही है भैया दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, है ना, बर्गर खानी है पीछे जाके, और बीच लेके पानी पी रही हैं, एक्वा का पानी पी रही हैं, और कह रही है भैया हम अनशन में बैठे हैं, ऐसा अनशन होता है, इतना झूठ दिल्ली वाले, इतना झूठ कब तक बोलते रहोगे तुम लोग। दिल्ली की जनता जो बादाम खाती है, परेशान से छीन लिए, अब की बार डबल प्यार होगा, पूरा पूरा छीन लेंगे, मुख्यमंत्री के नाम पे। इनको कह रहा हूं मैं, चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऋषि जी ने 2 चेहरे लगाई है, कहती है वो बन रखी है भरत और राम जी बना रखा है उन्होंने, हमारे राम जी के नाम ले रहे हैं लोग, इनकी औकात है, इनकी औकात है राम जी बनोगे तुम लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तुलना खुद से कर रहे हैं ये घोटालेबाज, ये लोग। अरे रहने दो, कितना झूठ बोले, जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ वो जो है राम जी से अपनी तुलना करता है, हमारे देवी देवता को बीच में मत लाओ, परेशानी में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ये सब मत लाइए। हाँ, हमारे राम जी, और ये कह रही है भरत, ये अपने को भरत, अरे तुम एक्टिंग अच्छी करती हो, वो एक्टिंग बॉलीवुड वाले बुलाते हैं इन लोगों को, जुरासिक पार्क वाली को। हाँ, ये जो है बैठी थी अनशन पे, हमने देखा भैया अनशन में बैठी हुई है, कह रही है भैया दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, है ना, बर्गर खानी है पीछे जाके, और बीच लेके पानी पी रही हैं, एक्वा का पानी पी रही हैं, और कह रही है भैया हम अनशन में बैठे हैं, ऐसा अनशन होता है, इतना झूठ दिल्ली वाले, इतना झूठ कब तक बोलते रहोगे तुम लोग। दिल्ली की जनता जो है बादाम खाती है, परेशान मत करो उन्हें, वो जानती है कि किसको वोट देना है किसको नहीं। ये कहते हैं 1000 रुपये बांटेंगे, झूठ बोलते हो, 2500 रुपये का टैंकर मंगवा के लोगों को पानी पीना पड़ रहा है और तुम लोग 1000 रुपये के बांटने की बात कर रहे हैं। दे रहे हैं वो पानी, पानी दे रहे हैं तो हम तो बिजली भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, फ्री में बिजली पानी, बसें महिलाओं के लिए फ्री है, आप बोल रहे हैं बसें महिलाओं के लिए फ्री है, सिर्फ 5 रुपये का फ्री है, मैं मानता हूँ फ्री का 5 रुपये की फ्री है महिलाओं से, दीदी के लिए आपने फ्री कर दिया, जीजा से क्या प्रॉब्लम है, जीजा के लिए भी तो फ्री करो कुछ। जीजा लोग कमा रहे हैं ना, लड़के तो क्या कमा रहे हैं, कमा रहे हैं तो महिलाएं भी तो काम पे जाती हैं, मर्द भी काम पे जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, महिलाओं के लिए सेफ्टी है, इसलिए उन्होंने डीटीसी में और वो भी बैठा रखे हैं पुलिस वाले। हाँ, तो उनके सैलरी को क्यों नहीं दिया, सैलरी क्यों नहीं दी, उनकी सैलरी भी खा लिए। अरे भाई कितना लूट मचाओगे दिल्ली पे, समझ नहीं आता, बोला लंदन पेरिस बना देंगे, अरे भैया ऐसे पन्नियां बह रही हैं, नालियां बह रही हैं और गटर बह रहा है, सफाई एक पैसे नहीं, एमसीडी इनके अंदर, बीजेपी नहीं करने देती ना उनको काम। हाँ, 100 करोड़ रुपए वक्त बोर्ड के देने के लिए नहीं पकड़ती है, डीटीसी बस फ्री करने के लिए नहीं करती है, नहीं रोकती है ये, और उसके बाद आप जो है अब 1000 रुपए देने जाते हैं तो फ्री नहीं करती है, रोकती नहीं है, बाकी इसी समय में इनको सब कुछ रोक देती है, मतलब कितना झूठ। दिल्ली वाले बेवकूफ है क्या, दिल्ली वाले को पता है कि अब की बार किसको वोट देना किसको नहीं, क्योंकि अब इनको लोग धक्का मार के भगाएंगे, धक्का मार कहेंगे भैया, धक्का मार के भगाएंगे, लेकिन केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि प्यार करती है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।